First point for the red team! तो हेलो गाइस, हम आते ही तीन बार मर चुके हैं ये 8v8 वाले मैच में। हमने अपनी सबसे अच्छी गन ली है, तब भी साले हम ही मर रहे हैं, क्या करें हम। अब की बार मैं जरूर मारेगा एक बंदा। चलो, एक बंदा मर गया है और हम ये फिसल पट्टी मार के इधर चले गए हैं और इसकी टट्टी निकाल देंगे इस साले की। और ये इधर तो आ गए, ये गलत बात है, ये साले हरामी एक नंबर के कहाँ से आ गए, इनका मैं क्या करूँ। और मैं अब की बार यहाँ से जाऊँगा, उधर जाऊँगा इन्हीं नीचे की तरफ, इधर ही से लपेट दूँगा सालों को। और इधर ही से लपेट दिया इस साले को, उसके अभी पिछली बार मेरे को मारा था इसने। सामने से साले गोली चलाने लगे हैं कैंपर्स कहीं के साले। वैसे मैं भी वही कर रहा हूँ, पर मेरे करने की मजबूरी है। ये साले कैंपर्स कर रहे हैं और ये साला तीन नंबर एक नंबर का कैंपर है, साला पाँच नंबर है शायद, ये पाँच नंबर साला एक नंबर का कैंपर है। कैसे लेटा पड़ा है बेशर्मो की तरह साला। इस साले को सामने से गोली मारूंगा भाई, मैं सामने वाले को गोली मार रहा था ये। अभी रोक, तेरे को अभी मारता है मैं। अब की बार में इधर ही से जाएगा, उधर से नहीं जाएगा, इधर ही से एक बार जाके देखेगा, बाद में मैं उधर से जाएगा। अभी तो इधर ये थोड़ी बहुत कैंपिंग करनी पड़ेगी। पिछली बार मैं ही कर रहा था कैंपिंग, मतलब वो भी कर रहे थे, पर मैं यहाँ पर थोड़ा खड़ा होकर देखता हूँ। अब सारे आएंगे ही नहीं जब तक मैं इनके स्कोप कर बैठूँगा। और ये उड़ गया और मेरे फ़ोन के साथ पता नहीं क्या हो गया, ये एकदम पीछे कैसे चला गया मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और यहाँ पर अब हमारी टीम थोड़ा सही खेल रही है, वरना तो स्टार्टिंग से बड़ा घटिया खेल रही थी। पता नहीं क्या हो गया था साली टीम को। अब यार मैं जल्दी से थोड़ा मार लेता हूँ इन लोगों को। और मैंने एक का ये साला सो रहा था तो इसको मैंने मार दिया, गलत बात होती है, सोते हुए किसी को नहीं मारते हैं। और ये बेचारा, ये एक और आ गया बंदा और ये भी पिल गया बेचारा। और ये है बंदा और इसने मेरे लिए लपेट दिया है। अब की बार मैं इसका गेम बजाऊंगा, जरा देखना आप। अब की बार इन्हीं के पीछे जाएंगे और इनको मारेंगे, सारे के सारे बंदे हमें लग रहा है इधर ही आ गए। उधर कोई है ही नहीं बचाऊंगा, पहले उधर भी जाना चाहिए। तो मैंने इसको मारा और एक और को लपेट लिया यहाँ पर। और ये साला सोए पड़ा है यहाँ पर, क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता मैं। एक और को लपेट दिया यहाँ पर और ये हम आ गए बहुत तगड़े वाले उसमें, उसे क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं अच्छा कहते हैं। तो सामने उनकी एम्बेसी है जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इनका तो पीछे से जाके गेम बजाना पड़ेगा क्योंकि साले वहीं बैठ के मार रहे हैं हमें। अभी ये वो था इनविंसिबल, वरना तो इसको लपेट देता साले को। अब की बार रिवाली कर निकालूंगा, तब तक इसको फेल दिया है, कोई बात नहीं। अब की बार इन्हीं के घर में जाके इन्हीं को मारूंगा सालों को। और यहाँ पर मेरा गेम बच गया है। चलो, एक को तो लपेट दिया है, इन्हीं घर में जाके मारा मैंने इनको। अब की बार मेनली मार दिया इन लोगों, वहाँ मेरी बहुत बढ़िया जगह पता चली है। अब मैं इनके पीछे जाऊँगा और इनके पीछे जाके मारने की कोशिश करूँगा, लेकिन अब की बार ये मेनली पीछे जाने ही नहीं देंगे। अब की बार मैं इधर ही से जाऊँगा तो इनको मार सकते हैं, क्योंकि यहीं पर वो फाइट ले रहे हैं ज़्यादातर। और ये साला ये छुपा हुआ है, इसको लपेट देंगे साइड से। और नीचे से भी फाइटें चल रही हैं और इसके पीछे पड़ गए हैं भूत के पीछे भूत। और इसको भी मार दिया है हमने जल्दी से, हमारे 14 के लोग हैं बहुत अच्छे। और ये बंदा आ गया है साला, बच गया मैं। और इसके पीछे एक और आ गया है, एक बंदा साला सैंडविच बना दिया हमारे बीच में। साला उधर भी मार रहा है, पीछे से भी मार रहे हैं साले, कैसे इंसान है रे। यहाँ पर यार कैंपिंग की बहुत जगह है इस मैप में, यही बस थोड़ा मुश्किल चीज़ है। अब मैं इधर छुप जाऊँगा और इसे मार दूंगा आराम से। ये सोच रहा कि मैं अंदर चला गया हूँ लेकिन मैं नहीं गया था, इसका पोपट कट गया। अब की बार मैं बम फेंकने की सोचता हूँ लेकिन मैच ही ख़त्म हो जाता है साला। अब की अगली बार में मैं जाऊँगा, अगली बार में बहुत अच्छा खेलूँगा मैं, इस बार भी अच्छा खेले लेकिन साला कुछ नहीं कर पाया। और हमारे गेम में जोनाथन भैया आज ही आए हैं, पता नहीं कैसे लेकिन आए हैं, नकली वाले। असली वाले की तो औकात है नहीं, नकली वाले ही आते हैं। अब की बार हमारे लिए टीम अच्छी मिली है तो इस बार हम जीत सकते हैं। ये सामने वाले साले चूतिए हैं, अब ये जो भी करें वो भी करें, लेकिन हम बहुत अच्छा खेलेंगे अब की बार।
अब की बार हमारे जीतने का एम्बिशन होगा, हम ही जीतेंगे। अब की बार वेक्टर लेके जाऊंगा, वेक्टर मेरी फेवरेट गन है, पिछली बार मैं उसी लेके गया था। इसमें रेड डॉट लगा लेंगे, वरना सालों लॉन्ग में हमारा मतलब हम जब पास में फाइट ले रहे होंगे तो एल लग जाएंगे इसके। तो इस बार ऊपर से ही जाएंगे, नीचे से ना जाते हुए ऊपर से जाएंगे, तो बंदे नीचे आएंगे तो हम नीचे से आराम से फेल सकते हैं, यहाँ से वो सामने वालों को भी फेल सकते हैं। वो दिख गया एक बंदा और उसे तीन पाँच नंबर में फेल दिया है, इधर भी पाँच नंबर फेल लिया है भाई साहब। और इस बार हम सीधे इनके अड्डे पे चढ़ जाएंगे सालों के, और यहीं पर मारेंगे सालों को। अब की बार मैं पीछे से घुसूंगा, इनका तो गेम बजा देंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़े। डोंट कॉल मी नूब। जी देखिए, ये यहाँ पर मैंने आराम से तीन लोगों को लपेट दिया और मेली पीछे से आके मार दिया इन लोगों ने, इन्हें घर में घुस के मारा। आपकी बार मेली बहुत अच्छी जगह पता चली है, साला वहीं से जाऊंगा, वहीं पर से मार दूंगा, साला इन सबका गेम बजा दूंगा। अब की बार तो मैं अभी चलता हूँ, बे साला सामने दिखता क्यों नहीं। साला जैसे स्कोप करता हूँ वैसे ही साले मतलब हट जाते हैं वहाँ से। कितने बुरे इंसान है ये, मेरे स्कोप के सामने तो बिल्कुल नहीं आते साले। अब की बार सामने है तो इसे थोड़ा आराम से रखना पड़ेगा। तो इसको लपेट दिया है इसको, ये बेचारे को। अब सामने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इन सालों का। अब ये साला आ गया है, यहाँ पर फेल दिया हमने इसको, और सात नंबर के साथ हैं हम, और मतलब आगे चल रहे हैं इससे सात नंबर से। और ये घर पर चल के आ गया हूँ मैं, इनको मार रहे हैं और इसको भी लपेट देंगे जल्दी से। और मैं इधर आया जैसे ही, वैसे ही एक बंदा और आ गया है इधर साइड से, उसने मेली फेल दिया है। पता नहीं साला कहाँ से पता चलता है इनके पास ESP USP है क्या। चलो जहाँ देखो आ जाते हैं। अभी साला ये भी आ गया है, इसको भी फेलना पड़ेगा, इसका भी गेम बजा दिया है। अभी जी आ गया है साला, तो थोड़ा छुप जाएंगे हम, क्योंकि चलो चार नंबर में हमको बचा लिया, वरना अभी हमारे बेइज्जती हो जाती। चलो ये आ गया, इसको आराम से मार लेंगे। और ये फिर से आ गया हमारे पास एक बंदा, और छः नंबर ने इस बार बचा लिया हमको। हम बिल्कुल जीरो हेल्थ पे थे, वरना तो हम मरने ही वाले थे। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर इंतजार करेंगे अपनी हेल्थ फुल होने का, और यहाँ से जल्दी से निकल के चलेंगे। और इसको इसका भी गेम बजा दिया है हेडशॉट के साथ। ये वेक्टर ओपी भाई, वेक्टर ओपी यहाँ पर है। तो पेल दिया एक और को, जिसमें दिया को पेल दिया है सामने की तरफ। और यहाँ पर एक और दिखा है, इसको भी पेल दिया। अब पाँच स्ट्रीक आ गई है हमारे पास। अब ये ऊपर क्यों चढ़ने लगा साला, मेरे ऊपर नहीं चढ़ना था, ये खुद ऊपर चढ़ने लगा। तो इसको इस पर स्कोप करता हूँ, ये साला मरा क्यों नहीं। साला ये जीरो हेल्थ होगा, इसके पास हेल्थ नहीं होगी, क्या सोच के आए थे भैया जी। लेकिन इसका किल मेरे को नहीं मिला, साला एक नंबर आरामी मेरा किल चुराता है। अब पिछली बार यहीं से मारा था उस बंदे ने, लेकिन इस बार नहीं मार पाएगा। अब की बार तो मैं ही देखेगा सामने जाके, इधर कोई नहीं दिख रहा है, और वो उधर साइड दिख गया है बंदा। अभी मैं इधर छुपेगा और जल्दी से इसके पीछे जाएगा, और मेरे लिए पता है कि भैया कहाँ से निकलने वाला है, तो इसके मुंह पे सीधे मारेंगे साले के। इधर ही लिटाल दिया है इसको। अब की बार मैं नीचे से जाऊँगा, और ये यहाँ से एक बंदा आ गया है, ये भी मरने वाला होता है, लेकिन एक एम होती है इसके पास, तो हमें लपेट दिया है। और 58-41 चल रहा है, और हमारी टीम काफ़ी अच्छी तरीके से खेल रही है अभी तक, तो आगा नहीं है एक भी बार। तो ना आते हुए चलते रहते हैं हम आगे, और यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, तो इनके सीधे घर में घुसेंगे हम, और घर में घुस के मारेंगे इन सालों को। अभी पीछे से घुसेंगे, ये सब कैंप करते हैं वैसे भी, तो पीछे से कैम ये देखिए, ये कैंप कर रहे हैं भैया जी। और ये हमको हेडशॉट धर दिया है इनने कबाड़ 98 से, वैसे तो कबाड़ 98 ही बोलना चाहिए थाली को, क्योंकि ऐसी टट्टी सी गोली मारती है ये। अब की बार तो जीतेंगे ही, क्योंकि 71-49 टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है। 71-50 हो गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मार्जिन रह गया है, इसको ही बजा देंगे जल्दी से, क्योंकि हमारा बजाना काम है। तो हमारे आराम से 15 किल हो चुके हैं आराम से। अब आगे जाएंगे, इनके घर में फिर से घुस चुके हैं, अब पीछे जाके एक ना एक को तो लपेट ही देंगे। इसको लपेट दिया, और ये पीछे से एक और आ गया है, इसको मैंने लपेटना था लेकिन उसने लपेट दिया, और मैं जीत चुका हूँ आराम से 17 किल के साथ, बहुत अच्छी। लेकिन हमें नहीं मिली, ये मिस्टर जीरो भैया जी हैं, इनको मिल गई ये MVP। और
ये जीत चुके हैं और हमारे 17 खेल हैं, उसके 18 खेल हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत अच्छा है। जिंदगी पहली बार हम गेम जीत चुके हैं।